गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं, जो है गूगल एड्स। सो गूगल एड्स से पहले हम लोग आज के सेशन में पेड एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट को। और उसके बाद हम लोग गूगल एड्स से शुरू करेंगे। सो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, वो एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आज के सेशन से अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से इसको रिव्यू करोगे और ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो सेशन है वो पूरा पेड मार्केटिंग के फंडामेंटल सेशन को क्लियर करते हैं, राइट। जो भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर दुनिया के चले जाओ, राइट, वेदर इट इज गूगल एड्स, वेदर इट इज सोशल मीडिया एड्स, मानी फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, व्हाटएवर, दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाओ, अगर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको ध्यान में रख के आपने आपके कैंपेन को एग्जीक्यूट किया, आपकी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किया, तो आपकी जो शुरुआत है वो सही डायरेक्शन में, राइट। यू विल हैव योर स्टार्टिंग विल बी इन द योर स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, दिस सेशन विल बी टू वे कन्वर्जेशन। तो मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, यू विल हैव टू टेल मी योर ऑब्जर्वेशन, योर अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा। जितना आप ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, राइट, मेरे पास आपके लर्निंग को बढ़ाने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक में बढ़ेगी। डोंट वरी, आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई गलत आंसर दे दिया या तो आपने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया। इट इज परफेक्टली फाइन, राइट। आप इसीलिए यहाँ पर आए हो ताकि आप यहाँ से ज्यादा चीजों को समझ के सीख के जाओ, ठीक है। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द टॉपिक, यू कैन नोट इट डाउन, राइट, ताकि जो रिदम है हमारे सेशन की वो बनी रहे। और मैं हर एक टॉपिक के बाद भी आपको पूछूंगा, उस वक्त भी आप उसको पूछ सकते हो, डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है फ्रेंड्स? कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। यस सर। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज के मैं यस, ठीक है, तो मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, कैन यू सी माय स्क्रीन? You can see my screen, right? Okay. So, सबसे पहला question ये है, just a moment. सबसे पहला question ये है friends, के paid marketing की क्यों जरूरत है, या why Google Ads या दुनिया के जितने भी पेड प्लेटफॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई बताएगा मुझे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट,
पेड मार्केटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? कैन एनीवन टेल मी? मैंने तो यहां पर लिखा ही है, बट इफ यू हैव योर थॉट्स यू कैन टेल मी. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू नो. व्हाई यू थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द पेड मार्केटिंग, और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट पेड मार्केटिंग? ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि गूगल एड्स या कोई भी पेड प्लेटफॉर्म है या कोई भी पेड मार्केटिंग है, पेड मार्केटिंग में ही दो तरीके के मार्केटिंग होते हैं. पहला मार्केटिंग वैसा होता है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जांपल, फेसबुक में अगर आप कोई भी पोस्ट करते हो आपके पेज पर, तो उसके लिए फेसबुक आपको चार्ज नहीं करता है. लेकिन अगर आप उसको बूस्ट करते हो तो फेसबुक विल चार्ज यू सम अमाउंट. सो जो आप पोस्ट करते हो वो ऑर्गेनिक पोस्टिंग है, फ्री वाली पोस्टिंग है, और जिसमें आप बूस्ट करते हो या तो कोई पेड कैंपेन रन करते हो तो वो पेड मार्केटिंग है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज पेड मार्केटिंग, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नंबर टू, कि जो पेड मार्केटिंग है फ्रेंड्स, वो पेड मार्केटिंग बेसिकली आपकी रीच को, आपकी सेल्स को, आपकी नंबर ऑफ इंक्वायरीज को एक्सेलरेट करने के लिए, सिग्निफिकेंट फास्ट रिजल्ट देने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या तो क्लाइंट का कोई अकाउंट हैंडल कर रहे हो फ्रेंड्स, अगर आपने फेसबुक पर पोस्ट की है राइट, या तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, तो उसकी रीच कितनी होती है नॉर्मली? नॉट मोर देन यू कैन से 500-600, और वो तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ. अगर आपकी 10,000 प्लस पेज के फॉलोअर्स है तो, या तो लाइक्स है तो, अदरवाइज इट जस्ट लिमिटेड टू लेस देन 200. तो वैसे सिनारियो में आपको कोई रिजल्ट मिलेगा उसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर. वैसे सिनारियो में अगर आपको रिजल्ट जनरेट करना है क्लाइंट, व्हाट आई मीन बाय रिजल्ट इज आइदर एंगेजमेंट, राइट, आइदर एंगेजमेंट और लीड और सेल. सेल ई कॉमर्स में सेल आएगा, सर्विस वेबसाइट में लीड आएगी, और अगर ब्रांडिंग और अवेयरनेस आपका ब्रांडिंग आपका गोल है तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एंगेजमेंट. ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर? सो दिस इज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव. फास्ट में अगर आपको रिजल्ट जनरेट करना है, राइट, इफ यू वुड लाइक टू ब्रॉडकास्ट योर मैसेज टू द टारगेटेड ऑडियंस, राइट, इन सच अ वे दैट इट जनरेट्स द आरओआई और इट अचीव योर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज हर एक केस में आरओआई संभव नहीं है, जैसे कि ब्रांडिंग, तो विच अचीव योर ऑब्जेक्टिव, राइट, तो वो मेन पर्पज है पेड मार्केटिंग का. वो मेन पर्पज है पेड मार्केटिंग का. आज हम लोग जो आज पेड मार्केटिंग सीखने वाले हैं वो कोई गूगल एड्स के लिए नहीं है. इट इज नॉट लिमिटेड टू गूगल एड्स. निर्मल भाई, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है. आइदर यू म्यूट योर माइक और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. तो सबसे पहले जो फंडामेंटल्स है उसके, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर आप अप्लाई कर सकते हो. तो जब भी आप कोई भी पेड मार्केटिंग करने के लिए जाते हो, राइट, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, राइट, व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, आप सबसे पहले क्या करते हो फ्रेंड्स, क्या करते हो आप लोग सबसे पहले, व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, राइट, जो भी अटेंड किया है जिसने भी, या तो जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं, उसने सबसे पहले क्या किया, प्लानिंग किया, राइट, उसने सबसे पहले प्लानिंग किया. प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट, जिससे आपके काम को बेहतर तरीके से कर सकते, राइट. हम लोग कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, ट्रैवल्स पर जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, एक्सेट्रा. तो सेम वे जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट को भी करोगे तो सबसे पहले प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. तो प्लानिंग में क्या करना चाहिए,
व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड डू एज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग, तो वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो दुनिया में कोई भी जगह पर आप पेड मार्केटिंग करो तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज करनी है। तो सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, और ये आप सब लोगों को एज अ पार्ट ऑफ द असाइनमेंट मिनिमम 3 से 4 बिजनेस के लिए आपको कंप्लीट करके ला, राइट? तो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। सबसे पहली चीज है प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है फ्रेंड्स आपका गोल, राइट? आप उससे क्या अचीव करना चाहते हो, राइट? वेदर योर गोल इज ब्रांडिंग, वेदर योर गोल इज लीड, और वेदर योर गोल इज सेल, तो गोल क्या है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वो डिफाइन करके लिखना है। जैसे कि आप ब्रांडिंग हो गया, मान लो जैसे कि मैंने फेसबुक पर एक कैंपेन किया है, या तो इंस्टाग्राम पर किया है, या तो लिंक्डइन पर किया है, या तो ट्विटर पर किया है, या तो पिंटरेस्ट पर किया है, या तो स्नैपचैट पर किया है, कोई भी जगह पर किया है, या तो गूगल पर किया है, या तो बिंग पर किया है। तो जो भी आपने किया है फ्रेंड्स, उसका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो? सपोज एंगेजमेंट है, तो आप कितनी लाइक जनरेट करना चाहते हो, कितनी लिंक क्लिक्स क्रिएट करना जनरेट करना चाहते हो, कितने कमेंट जनरेट करना चाहते हो, या तो ओवरऑल एंगेजमेंट कितने परसेंटेज जनरेट करना चाहते हो, कितने परसेंटेज आप करना चाहते हो, वो आपको एक लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे नहीं, आप बोलोगे कि भाई पहली बार कर रहा है तो कैसे पता लगेगा, तो आप पहली बार कर रहे हो तो इंडस्ट्री बेंचमार्क को चेक। आप जब भी गूगल पर सर्च करोगे कि भाई एंगेजमेंट इंडस्ट्री बेंचमार्क, तो वो बताएंगे कि भाई 3%, 4%, 5%, व्हाटएवर, वो इंडस्ट्री बेंचमार्क। तो वो बेंचमार्क आप हासिल कर रहे हो कि नहीं वो पता लगेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके कैंपेन में आपको कौन सी चीज की करने की जरूरत है। अबव एवरेज काम कर रहे हो तो आप और बेहतर कैसे बना सकते हो, या तो आपके गोल को बढ़ाओ, और बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हो तो यू शुड चेक दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, गोल, आपका गोल क्या है, और वो भी रिटर्न में, राइट? दिमाग में नहीं, दिमाग में जितनी चीज रखोगे, जब भी आप कोई भी चीज लिखते हो तो क्या होता है, क्या होता है, जब व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग, क्या होता है फ्रेंड्स, यस, व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग व्हाट हैपेंड, और दूसरे लेक्चर में सुनने के बाद उसको ब्रेनस्टॉर्म करना, माने उसको पूरा दिमाग में लाना, एंड नंबर टू आप क्या करना, उसको वो असाइनमेंट को कंप्लीट करना, और नेक्स्ट सेशन में आप यू शुड आस्क योरसेल्फ कि भाई क्या चेंज हुआ। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग, इट इंक्रीज योर क्लैरिटी इन द माइंड फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड नंबर टू कि आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ेगी 100% बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सारी चीजों को लिखना है। नंबर टू, सबसे पहले व्हाई, गोल क्या है हमारा। नंबर टू, किसको, मानी ऑडियंस, राइट? अगर ये 5WBK रूल जो है फ्रेंड्स, ये आप सब लोगों को आ गए, राइट? प्रॉपरली आपने उसको अंडरस्टैंड किया, प्रॉपरली आपने कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने से पहले इसको लिखा, तो बिलीव मी आप दुनिया के कोई भी पेड मार्केटिंग को अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि सभी के फंडामेंटल्स क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है, राइट? ऑल द फॉर एनी पेड प्लेटफॉर्म द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केटिंग विल रिमेन सेम, ठीक है? सो नंबर टू है ऑडियंस। सो ऑडियंस के तौर पर क्या आता है, व्हाट थिंग्स कम्स फॉल्स अंडर ऑडियंस। सो सबसे पहले है बिहेवियर, माने जो भी ऑडियंस को आप कैप्चर करना चाहते हो, राइट? वो अभी कौन सी चीजों के लिए परचेज करने के लिए वो जा रहा है। जैसे कि अगर कोई, आप सिंपल समझो कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा है तो क्या करेगा, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड अलग अलग चीजों को गूगल पर सर्च करेगा, राइट? यूट्यूब पर वो वीडियोज के लिए सर्च करेगा, राइट? तो वो क्या है, वो बिहेवियर है उसका, राइट? वो अभी क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर चीज को लर्न करने के लिए रिसर्च के फेज में उसको ढूंढ रहा है, राइट? या तो परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ढूंढ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड टू डू आपको क्या करना है, आपको ऐसे बिहेवियर वाले लोगों के बारे में पता करना है कि आप जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जा रहे हो उसका बिहेवियर क्या है। तो कहां से मिलेगा आपको बिहेवियर, आपको बिहेवियर मिलेगा एनालिटिक्स के ऑडियंस के रिकॉर्ड में, राइट? व्हेनेवर यू ओपन द एनालिटिक्स,
and you go through the behavior report, you will find the behavior of the audience. Right? यहाँ से आप जाओगे. Right? Whenever you will click here, right? आपको यहाँ से कोई भी suppose ये कोई भी आप उसके लिए कर सकते हो. Right? तो यहाँ पर audience में जाकर आप यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर आपको सॉरी इंटरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ये जो इन मार्केट है ना, इसको बिहेवियर है. राइट, इसका और एक नाम है बिहेवियर. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप आसानी से चेक कर सकते हो कि भी आपको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों का बिहेवियर क्या है. आप डे ट्रेन ज्यादा करोगे, मिनिमम आप 60 डेज को रखोगे या 90 डेज को रखोगे, यू विल हैव अ मोर एक्शनेबल सैंपल साइज. ठीक है, नंबर टू है इंटरेस्ट. मानी आप जो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो उसका जो टारगेटेड ऑडियंस, राइट, उसका इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, उनको क्या पसंद है, वो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और क्यों पता करना है इसको, जितनी क्लैरिटी से आपको पता होगा उतनी क्लैरिटी से आप पेड प्लेटफॉर्म पर उसको टारगेट कर सकते हो, आपके सेल्स फनल में उसको टारगेट कर सकते हो. और जितना अच्छी तरीके से आप उसको टारगेट करोगे, आपको जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है मार्केटिंग की, वो ज्यादा रिटर्न देगी. राइट, क्यों ज्यादा रिटर्न देगी, क्योंकि आप उसी को वो एड दिखा रहे हो जो आपके अंडरस्टैंडिंग से, शुरू में अंडरस्टैंडिंग से, उसके बाद डेटा से ऐसा बता रहा है कि ये इंटरेस्ट वाले लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करने के लिए परचेस कर सकते हैं. तो वो कैसे पता लगेगा, वो यहां से पता लगेगा फ्रेंड्स. एनालिटिक्स में आपको कहां पर जाना है, एफिनिटी कैटेगरी. इसको क्या गूगल क्या बोल रहा है, एफिनिटी कैटेगरी, लेकिन ये एक्चुअली आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, लोगों का इंटरेस्ट. ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट, जैसे कि जो शॉपिंग को जिसको इंटरेस्ट है, वो लोग नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. जिसको टेक्नोलॉजी या टेलो टेक्नोफोबीज है, राइट, टेक्नोफाइल्स है, वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं. जो लोग सलून को ज्यादा विजिट करते हैं, वो नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस में इंटरेस्टेड है. शटर बैग्स है, बिजनेस प्रोफेशनल्स है, एंड सो ऑन. तो ये सारे इंटरेस्ट वाले लोग बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, आप ये इंटरेस्ट वाले लोगों को जितने भी दुनिया के पेड प्लेटफॉर्म है उसमें टारगेट कर सकते हो. उसको टारगेट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. उसकी संभावना क्यों ज्यादा है, क्योंकि डेटा ऐसा बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट वाले लोग जब भी आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जब भी आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी कॉन्टेक्ट करने की संभावना कंपेयर टू अदर इंटरेस्ट ज्यादा है. ठीक है, सो दिस इज द रीजन दैट यू शुड अवेयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेटेड ऑडियंस. उसके बाद है उसकी एज ग्रुप क्या है, वो भी आपको एनालिटिक्स से मिलेगी. राइट, यू कैन इजीली चेक द एज ग्रुप और योर टारगेटेड ऑडियंस राइट फ्रॉम हियर. राइट, आप आसानी से यहां से आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से ऑडियंस के रिपोर्ट में आपको मिलेगा, सॉरी डेमोग्राफिक में आपको मिलेगा एज. राइट, यहां से आपको मिलेगा उसकी एज ग्रुप वर्सेस कन्वर्जन रेट का आपको स्टेटिस्टिक्स मिलेगा. राइट, और यहां पर आप सेकेंडरी डायमेंशन करके उसके सोर्स को भी पता कर सकते हो कि भाई कौन से सोर्स से आया है, माने गूगल से आया है, फेसबुक से आया है, लिंक्डइन से आया है, कौन से यूट्यूब से आया है, कौन से सोर्स से आया है. और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, जेंडर. ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट से आप क्या पता कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके टारगेटेड ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक. उसको जनरलाइज भाषा में क्या कहा जाता है, टारगेटेड ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक. कौन सी चीज आती है टारगेटेड ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक में, उसका इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसकी एज, उसका जेंडर. अगर आपको शुरू में पता नहीं है, जब आप पहली बार करोगे, तो हो सकता है कि जितनी क्लैरिटी से
आपको 6 महीने के बाद पता लगे उसकी, तो आप शुरू में सभी को टारगेट करो। शुरू में क्या करो फ्रेंड्स, सभी को टारगेट करो, और जब आपके पास मिनिमम 500 सेशंस मानी 500 लोगों ने जब विजिट किया है तब, या तो 100 यूजर्स, उससे आप डेटा लेकर एक्शन आइटम बना सकते हो। उससे आप डेटा लेकर डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये इंटरेस्ट वाले लोग, ये बिहेवियर वाले लोग, ये एज ग्रुप वाले लोग, ये जेंडर वाले लोग, ये जेंडर नॉर्मली मेरी वेबसाइट या तो मेरी ऐप के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, एंड नंबर 2 ज्यादा इंक्वायरी या तो सेल जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट, क्या दिखाना है, एड्स, राइट। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, एड्स, क्या दिखाना है। सो एड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एड्स के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट। जब भी आप ऐड करते हो तो क्या ध्यान में रखना है वो हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन से फेज में है, अवेयरनेस वाले केस में है, कंसिडरेशन वाले केस में है, कि कन्वर्जन के फनल में है, जो सेल्स फनल जनरेट होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हम लोग नीचे अभी इसके बाद के टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे पहली चीज है वो है एड्स। तो एड्स पहले तो कौन कौन से फॉर्मेट में होती है, तो एड्स जो होती है वो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक स्टैटिक इमेज होती है जो हम लोग नॉर्मली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते हैं। दूसरी जो होती है वो वीडियो के फॉर्म में होती है, GIF के फॉर्म में होती है, ठीक है। सो दीज आर दी फॉर्मेट ऑफ एड्स, और हर एक के जो डायमेंशन है, मानी फेसबुक में अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसके डायमेंशन मानी उसकी हाइट एंड विड्थ अलग रहती है, अगर आप गूगल डिस्प्ले में करोगे तो उसके डायमेंशन अलग रहेंगे, अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर करोगे तो उसके डायमेंशन अलग रहते हैं, तो इट वेरीज, इंस्टाग्राम पर अलग रहते हैं। तो एज पर द प्लेटफॉर्म क्राइटेरिया और एज पर द प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट, यू नीड टू क्रिएट द, यू नीड टू गाइड द डिजाइनर, और यू नीड टू आस्क द डिजाइनर टू प्रोवाइड यू द एड्स और द इमेज और द GIF और द वीडियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये है एड्स। एड्स में एग्जैक्टली क्या चीजें होनी चाहिए वो हम लोग कमिंग जो आने वाले सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से फेज में अगर आपकी एड में है तो आप एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो, या तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, या तो कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है व्हेन यू वुड लाइक टू शो, कब दिखाना है, राइट। व्हेन यू वुड लाइक टू शो, जैसे कि अगर आप एग्जांपल दूं मैं आपको, कि अगर आप अभी 14-15 जनवरी को उत्तरायण आने वाली है, तो अभी अगर आप काइट्स का रिलेटेड या तो उसके रिलेटेड कोई भी कैंपेन रन करोगे तो दैट इज, दिस इज द बेस्ट टाइम, पीक टाइम फॉर यू टू जनरेट द सेल। लेकिन अगर वही चीज आप 15 के बाद करोगे तो दैट विल नॉट वर्क। अगर आप अभी क्रैकर्स को सेल करने के लिए ऐड करोगे तो नॉट वर्क, राइट। वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से वो दिवाली से पहले काम करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सीजन, उसको सीजन बोलते हैं बेसिकली, व्हेन यू वुड लाइक टू शो, राइट। तो डेज प्लस टाइम, मानी कौन से टाइम पर उसको से शो करना है, कौन से डेज पर और कौन से टाइम पर, तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको 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 मिलेगा day and time will also help you, just a moment, interest, right, ये location है, right, ये location है, days and time है ना मेरे ख्याल से, आपको insight में, audience को हर, वो मेरे ख्याल से उसमें मिलेगा आपको, जो पेड मार्केटिंग है ना उसमें वो लोग नॉर्मली डेज एंड टाइम देते हैं, राइट। यहां से आपको मिलेगा कि कौन से टाइम पर आपकी एड के साथ लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कौन से दिन में आपकी एड के साथ लोग अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे, राइट। जस्ट 0 मानी संडे, 6 मानी सैटरडे। So this is the best example to know that where your
टारगेटेड ऑडियंस गेट मोर एंगेज, राइट। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, अगर आपके B2B का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे ज्यादा एंगेजमेंट होगी कंपेयर टू सैटरडे एंड संडे, यस और नो। और अगर आपका B2C होगा तो जब भी छुट्टियां हैं, जब भी लोग घर पे जाते हैं, या तो रात का टाइम है जब भी लोग नेट को ज्यादा सर्फ करते हैं, वो टाइम आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, ज्यादा आपको लीड या तो इंक्वायरी आपको प्रोडक्ट सेल मिलेगा, ठीक है। सो दिस यू शुड बी अवेयर, आपको ये पता होना चाहिए, और वो भी बिलीफ के बेसिस पर नहीं, फैक्ट के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर। डेटा के बेसिस पर आप कैसे पता कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद है वेयर यू वुड लाइक टू शो, टारगेटेड रीजन क्या है आपका, डेमोग्राफी क्या है आपकी, राइट। तो जब भी आप पर्टिकुलर छोटे लोकेशन में टारगेट करते हो तो उसमें ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, लेकिन 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 अगर आप बड़े, सपोज मैंने पूरे इंडिया को मेरा टारगेटेड रीजन बनाया है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से सिटी से नॉर्मली मुझे ज्यादा इंक्वायरी मिलती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द लोकेशन। ये आपको पता करना पड़ेगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वो भी कैसे कर सकते हो आप, यहाँ से कर सकते हो फ्रेंड्स, ये जो जियोग्राफी का रिपोर्ट है ना, राइट, आपको यहाँ से जो ऑडियंस है उसमें आपको डेमोग्राफिक में, सॉरी, आपको जियोग्राफी में आपको यहाँ पर मिलेगा लोकेशन, राइट। यहाँ पर आप कौन से लेवल तक जा सकते हो, सिटी के लेवल पर आप जा सकते हो, स्टेट के लेवल पर, आप ये कॉन्टिनेंट है, आप यहाँ तक सिटी के लेवल पर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट आई विल फाइंड द डेटा अप टू, ये स्टेट है, राइट, आप ये रीजन है, ठीक है, और रीजन लेवल पर आप जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, यहाँ से आपको बेसिकली ये पता लगेगा कि जब आप बड़ी जियोग्राफी को टारगेट कर रहे हो तो कौन सी जियोग्राफी है वो रिजल्ट जनरेट कर रही है, वो रिजल्ट जनरेट कर रही है। एंड लास्ट, बजट, आपको कितना बजट स्पेंड करना चाहिए, व्हाट इज द बजट, व्हाट इज द आइडियल बजट यू शुड स्टार्ट विद, ये क्वेश्चन हमेशा आपको क्लाइंट पूछेगा, राइट। आप बेसिकली बजट कैसे तय कर सकते हो, उसका भी मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ। सो आप बजट उस तरीके से डिसाइड कर सकते हो फ्रेंड्स कि आप $100 से, या तो इंडियन रुपीज में बात करें तो $100 के इक्विवेलेंट में आप आपकी बजट को, मंथली बजट को रख सकते हो, राइट। लेकिन आप वो भी कर सकते हो कि भाई इंडस्ट्री बेंचमार्क को कंसिडर करके कितना बजट रखना है नंबर ऑफ इंक्वायरीज को जनरेट करने के लिए, वो भी कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे कैलकुलेशन करना है ना, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि बजट जो है फ्रेंड, वो आप पहले के 20-30%, मैंने माने कि अगर मैंने सोचा मैं समझ लो कि 10,000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ, राइट, एज अ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वो कैसा रिजल्ट जनरेट करता है मेरी वेबसाइट के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 स्पेंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके 20-30% माने अप टू 3,000 INR मैं एक्सपेरिमेंट में लगाऊंगा, डेटा को जनरेट करने के लिए लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सभी को ऐड दिखाऊंगा, सारे एज ग्रुप को, सारे जेंडर को, उसके बाद सभी इंटरेस्ट वाले लोगों को, सभी बिहेवियर को दिखाऊंगा। लेकिन एक बार मेरे पास डेटा जनरेट हुआ फ्रेंड्स, एक बार मेरे पास डेटा जनरेट हुआ तो मैं क्या करूंगा, जो रिमेनिंग 70% मेरा बजट है उसको मैं उसी ऑडियंस को दिखाऊंगा जिसने मेरी एड के साथ एंगेज हुई है। एंगेज हुआ माने एंगेज, वो ऑडियंस हुई है उसकी, किसको हम लोग एंगेज हुई है ऐसा बोल सकते हैं, जिसने लाइक की है आपकी, उसके साथ कमेंट की है, शेयर की है, लिंक क्लिक्स की है, राइट, या तो आपके पेज को फॉलो किया है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एंगेज हुई है, राइट, जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है वो एड को देख के, राइट। तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, व्हाट वी विल टेल ऑल दिस ऑडियंस, क्या बोलेंगे हम उसको,
एंगेज हुई है और वो पोटेंशियल ऑडियंस है. तो अभी जो आपका बजट है, अभी जो आपका बजट है वो कहाँ पर स्पेंड करोगे आप? जो ऑडियंस ने रिजल्ट जनरेट किया है, सॉरी, जो ऑडियंस ने एंगेजमेंट जनरेट किया है उसके साथ. ठीक है, क्लियर है सबको ये 5WB रूल? सबका क्लियर है? 5W मनी, व्हाई, हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड लास्ट में बजट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. चलो अभी हम लोग, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, पेड मार्केटिंग में, फंडामेंटल्स ऑफ पेड मार्केटिंग में किसको कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? यस, अपना माइक अनम्यूट करके, या तो अगर वो क्लासरूम में बैठे हैं तो माइक के नजदीक में आके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो पेड मार्केटिंग है राइट, उसमें सेल्स फनल कैसे बना, राइट, हाउ यू शुड क्रिएट योर सेल्स फनल इन द पेड मार्केटिंग. सो मैं आपको उसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग सपोज रिवर फ्रंट पर आप में से कोई घूम रहा है, ठीक है, और मैं जाके बोलू भाई आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और आप इंटरेस्टेड हो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करने में, आप क्या करोगे? राइट, आप बोलोगे कि भाई ये इसका दिमाग खिसक गया है क्या? राइट, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने कभी आपसे बात नहीं की है. राइट, हाउ यू आर टेलिंग मी दैट, हाउ यू आर प्रपोजिंग मी फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? राइट, 100% ये होता है. राइट, क्यों होता है वैसा? क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है. उसके बाद वो अवेयरनेस करने के बाद उसमें से जो एंगेज हुए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा कि आपसे क्यों वो करना है, आप कैसे उसमें एक्सपर्ट हो, आप कैसे उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, और लास्ट में तीसरे फनल में आपको क्या करना है, आपकी ऑफर या डिस्काउंट को देकर आपकी सर्विस को बेचना है. सो दिस इज कॉल्ड सेल्स फनल. उसको क्या बोला जाता है, सेल्स फनल. मानी वो सेल्स फनल में जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा ऑडियंस को कंज्यूम करता है, राइट, ऐसा रहता है. राइट, ये जो ऊपर वाला जो ऑडियंस है, ये देख रहे हो आप, जो ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद जो ऑडियंस है वो उसके बाद कम होती जाती है. क्यों कम होती जाती है? क्योंकि अवेयरनेस आपने जिसको की है, राइट, सपोज मैंने एक, आप कोई भी जगह पर घूम रहे हो और मैंने अनाउंस किया कि भाई जिसको भी पर्टिकुलर चीज का पास चाहिए, राइट, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, सपोज 1000 लोग घूम रहे हैं, उसमें से 500 लोग नजदीक आएंगे. उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई आपको वैसे तो ये पास बहुत सारी जगह पर मिलेंगे, लेकिन आप अगर हमसे लेते हो तो आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, एटसेट्रा. तो उसमें से कुछ लोग आएंगे और परचेस करके जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड फनल. तो आपको जब भी आप गूगल पर एड्स करते हो या तो सोशल मीडिया में ऐड करते हो, तो आपको सीधा अगर सामने वाले को बोलोगे कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, सो नो वन विल टेक द इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि भाई सब लोगों को ये दिखाओ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. तो हमारी जब अवेयरनेस ये फेज में है हम लोग, तो हमें क्या दिखाना है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, डिजिटल मार्केटिंग करके आप कैसे आपके करियर को और बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ये दिखाना है. इसमें जिन्होंने एंगेज किया है, इसमें जिसने एंगेज किया है उसको क्या दिखाना है, आप जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस या कोर्स ऑफर करते हो उसमें जो लोगों ने कोर्स लिया है वो लोगों का ग्रोथ कैसा हुआ है, या उनको कितना सैलरी हाइक मिला है, या तो उनको किस तरीके से अपनी करियर उनकी बिल्डअप हुई है, या तो वो लोग अपने बिजनेस को उन्होंने कैसे ग्रो किया, उसकी केस स्टडी आप दे सकते हो, उसके टेस्टिमोनियल को दे सकते हो, आपकी यूएसपी को दे सकते हो. वो किस पे देना है आपको, कंसिडरेशन,
किसमें देना है आपको? कंसिडरेशन. किसमें देना है उसको क्या कहा जाता है? कंसिडरेशन. एंड लास्ट इज कन्वर्जन. मानी अभी वो ऑडियंस परफेक्ट हो गई है, ये आपने परफेक्ट उसको उसको अवेयर भी किया है, उसमें से जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है उसको आपने केस स्टडी से और कंसिडरेशन में लाया है, और अभी लास्ट क्या करना है आपको? डील को क्लोज करना है. मानी लास्ट में क्या करना है आपको? बोलना है कि भाई अगर आप 2 दिन में मेरे कोर्स को परचेज करोगे तो यू विल हैव 10% ऑफ, राइट? अगर आप राइट या तो आप कोई ऑफर निकाल सकते हो, या तो आप कोई डिस्काउंट दे सकते हो, या तो आप कोई फ्रीबीज दे सकते हो. पहला 3 अगर 2 दिन में कोई डिसीजन लेता है तो उसको हम लोग पहले 2 दिन सेशन फ्री में देंगे. सो वैसा करके आप क्या कर सकते हो? जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है उसको सीधा कैप्चर करके डील को क्लोज कर सकते. सो ये है सेल्स फनल. ये क्या है फ्रेंड्स? सेल्स फनल. कोई भी जगह पर आप जाओगे तो ये सेल्स फनल होगी, राइट? अभी ये सेल्स फनल जो है वो कैसे क्रिएट करनी है? जो सेल्स फनल है वो गूगल और अदर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, सर्च इंजिन्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे काम करती है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, 2 टाइप के मार्केटिंग है. पहला है इनबाउंड मार्केटिंग और दूसरा है आउटबाउंड मार्केटिंग. पहला है इनबाउंड मार्केटिंग और दूसरा है आउटबाउंड मार्केटिंग. सो इनबाउंड में क्या होता है? यूजर जो है वो इंटरेस्टेड है और वो आपको कॉन्टेक्ट करता है. और आउटबाउंड क्या है? आप टेली मार्केटिंग के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो और उसकी डेटाबेस जनरेट करते हो, और फिर आप सामने से उसको कॉन्टेक्ट करते हो. वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं करता, आप सामने से कॉन्टेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड. तो जो इनबाउंड है उसमें हमेशा क्या रहेगा, उसका फायदा क्या है? कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा. क्यों कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा? क्योंकि सामने वाले ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है और सामने वाला इंटरेस्टेड है और उसने आपको कॉन्टेक्ट किया है. आउटबाउंड में क्यों कम रहता है? बिकॉज यू डोंट नो दैट वेदर योर ऑडियंस इज इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? और उसको आपके बारे में भी पता नहीं है, तो उसका कन्वर्जन रेट और एंगेजमेंट रेट हमेशा कैसा होगा? सिग्निफिकेंटली कम होगा compared to inbound audience. So जो Google search है, जो Google search है, वो कौन सा audience, वो कौन सी किस टाइप की inquiry को generate करेगा? Google search है, Google ads है, वो किस टाइप की inquiry को generate करेगा? Inbound को generate करेगा, ठीक है? इसको generate करेगा, inbound को generate करेगा friends. और जो सोशल मीडिया है, या तो आप और होल्डिंग्स है, जितने भी है, वो किस तरीके की ऑडियंस को जनरेट करेगा? आउटबाउंड की इंक्वायरी को. जब आप सामने से कांटेक्ट करते हो तो वो आउटबाउंड जनरेट करेगा, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके ओके, ठीक है. सो आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको अलग अलग जो कैटेगरीज है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, अलग अलग जो सेक्टर है वो सेक्टर वाइज आपको ये 5WB रूल जनरेट करते हैं, राइट? आपको जितना पता लगे उतना आप क्रिएट करो, राइट? जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स है, राइट? तो उनका गोल क्या रहता है, राइट? आपको कौन से गोल के साथ करना चाहिए? तो अगर आप इनबाउंड कर रहे हो, राइट? इनबाउंड मानी गूगल पर कर रहे हो, तो गूगल पर आप कैसे कर सकते हो? सीधा देखिए, जो गूगल पर आपको ऑडियंस फ्रेंड आपको ऑडियंस मिलेगी ना, वो इसमें यहाँ वाली ऑडियंस जिसको डिजायर ऑलरेडी है. आपको शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ गूगल एड्स, या दैट इज द ब्यूटी ऑफ गूगल सर्च, राइट? गूगल सर्च पर कैसे लोग जाते हैं? जो लोग ऑलरेडी वो चीज करना, वो चीज प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करना चाहते हैं, यस और नो? तो वो सेल्स फनल में नीचे वाले फेज में, नीचे वाले मानी बाइंग इंटेंशन वाला जो फेज है ना, वहां पर आप पहुंचा है. यहाँ पर तो ऑलरेडी होता ही है, डिजायर में होता ही है, राइट? आपको सिर्फ क्या करना है,
प्रॉपर एक्शन के साथ उसको कन्वर्ट कर लेना है। सो दैट इज द ब्यूटी, माने आपके ये दो जो फनल है उसका समय और कॉस्ट दोनों सेव हो जाएंगे। कौन से केस में? सारे सर्च इंजिन के केस में। और वो सर्च इंजिन में मार्केट शेयर किसका सबसे ज्यादा है? गूगल का सबसे ज्यादा है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गूगल कि आपको सेल को जनरेट फास्ट मिलेगा क्योंकि जो ऑडियंस है वो यहाँ पर ऑलरेडी है। एंड नंबर टू, आपके पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट होंगे क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी सर्च कर रही है और उसने आपको सामने से कॉन्टेक्ट किया है। ठीक है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गूगल सर्च। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन से इंटरेस्ट के साथ, कौन से ऑडियंस के साथ, कौन सी ऑडियंस के साथ, कौन सी एड्स के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, और मुझे तीनों फेजेस के लिए बताना, राइट? तीनों फेजेस के लिए मानी अवेयरनेस में अगर आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, कंसिडरेशन में दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, और कन्वर्जन में दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, राइट? आई वुड लाइक टू सी ऑल दिस फॉर दिस। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? नहीं सर। ठीक है, गुड। सो ये दिस इज योर असाइनमेंट कि आपको मिनिमम तीन बिजनेस के लिए, मिनिमम ये जो मैंने लिखा है उसमें से कोई भी तीन बिजनेस के लिए आपको ये सेल्स फनल जनरेट करके लाना है, राइट? सेल्स फनल में टारगेटेड जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर लिखे है उसके लिए आपको जनरेट करना है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़े। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक ब्यूटी है, राइट? दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ गूगल एड्स, राइट? अभी हम लोग पूरे जो पेड मार्केटिंग के फंडामेंटल्स है ना उसमें से अभी हम लोग खत्म कर दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेरी वेरी स्पेसिफिक टू गूगल एड्स, या तो गूगल एड्स एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म अदर सर्च इंजिन वाले जो है उसके लिए, बिंग हो गया फॉर एग्जाम्पल, डक डक गो है, एटसेट्रा, उसके लिए हम लोग अभी ये चीजों को डिस्कस करेंगे। और आप मार्केट प्लेस को भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, वो हो गया, मैशो हो गया, या तो अमेजोन हो गया, एटसेट्रा। तो इसमें दो चीज है फ्रेंड्स कि वेन एवर यू आर प्लानिंग टू शो द एड्स ऑन गूगल, राइट, विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स और गूगल एड्स, आपको कोई भी बिजनेस के लिए ये करना है तो जो भी अपने पैसे लगाएगा वो पूछेगा आपको कि भाई मुझे कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, मुझे कितनी इंक्वायरी मिलेगी, या मुझे कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मुझे कितना सेल मिलेगा। ये बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे सबके दिमाग में? यस सर, 100% आएंगे। उसके बगैर आप उसको आगे लेकर जा ही नहीं सकते। अंटिल यू डोंट हैव द क्लैरिटी फॉर दिस टू थिंग्स यू कैन नॉट मूव अहेड। ठीक है, तो आप में से अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई आपको मैं 5 टाइप के बिजनेस मॉडल देता हूं, ठीक है, आपको मैं कुछ पैसे देता हूं और 5 टाइप के बिजनेस मॉडल देता हूं, राइट, सभी को मैंने 50-50 हज़ार रुपए दिए हैं, राइट, 3-4 लोगों को, और मैंने बोला कि भाई अभी मुझे देख चेक करना है 2-3 महीने में कि आप 50 हज़ार का कितना करते हो, 50 हज़ार से कम पैसे जनरेट करते हो या तो मानी लॉस में जाते हो, और 50 हज़ार से ज्यादा जनरेट करके प्रॉफिट अर्न करते हो, राइट? तो जो स्मार्ट बंदा है या तो जो सक्सेसफुल, सक्सेस होने के जिसके चांसेस ज्यादा है, राइट, तो किसके ज्यादा होंगे? तो वो वैसा बिजनेस 50 हज़ार जो रुपए है वो वैसे बिजनेस में लगाए जिसमें प्रॉफिट आने की संभावना सबसे ज्यादा है, यस और नो? जिसमें प्रॉफिट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, कोई भी बिजनेस दुनिया के ले लो, राइट, उसमें तीन कोर फंडामेंटल चीज है, राइट, उसको आगे लेकर जाने के लिए, राइट? ये तो मैंने अभी आपको बहुत बेसिक चीज बोली जो 50,000 वाला एग्जांपल दिया उसमें, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप कोई भी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो तीन फंडामेंटल चीजें है, किसी को पता? कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, सबसे पहला है प्रॉफिट। आपका जो जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉफिट जनरेट करे। दूसरा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मानी ऐसा नहीं कि भी आज उसकी डिमांड है कल जाकर उसको बंद होने वाला है,
राइट, तो दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस, करेक्ट। जैसे कि अगर आप सिर्फ कोई पर्टिकुलर टाइप की चीजें बेचते हो तो क्या होगा, हो सकता है कि आज उसकी डिमांड है, कल वो डिटेरियोरेट हो रही है, कल वो कम हो रही है, तो उसको सस्टेनेबल नहीं बोल सकते। सस्टेनेबल किसको बोल सकते हैं, जिसकी डिमांड आइदर कॉन्स्टेंट है या तो इंक्रीज हो रही है, राइट, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। एंड तीसरा है स्केलेबल। व्हाट इज स्केलेबल, आज आप 5 लोगों को दे रहे हो, कल आपको 50 को देना है तो भी यू आर कैपेबल इनफ, यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस, यू हैव अ मैन पावर इन प्लेस विद विच यू कैन इंक्रीज फ्रॉम 5 to 50, तो दैट इज कॉल्ड स्केलेबल। तो ये तीन चीज कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए उसकी जो है वो फंडामेंटल पिलर है, ये तीन पिलर है, समझ। तो उसमें जो सबसे पहला पिलर है वो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अगर तय करना है तो कैसे करो। तो नॉर्मली क्या होता है सभी और सभी बिजनेस में, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने ऐड दी, तो ऐड देने के बाद पता लगता है कि वहां से रिस्पॉन्स कैसा मिला। जब भी आप होल्डिंग्स पर ऐड करते हो तो ऐड देने के बाद पता लगता है, कोई मैगजीन में ऐड दी तो वो देने के बाद पता लगता है। तो ये सारे जो मार्केटिंग के चैनल्स है या तो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी लिमिटेशन ये है, दो लिमिटेशन है, एक तो पहले से आपको पता नहीं लगता और रन होने के बाद आपको डेटा नहीं मिलता, ये लिमिटेशन। तो ये लिमिटेशन से क्या आपको नुकसान होता है कि अगर वो चला तो भी नहीं पता लगेगा कि कौन से रीजन से चला, और नहीं चला तो भी नहीं पता लगेगा कि कौन से रीजन से वो नहीं चला। ये दोनों चीज, इनफैक्ट ये तीनों चीज टेक केयर हो जाती है पेड एडवर्टाइजमेंट में, कैसे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई भी बिजनेस की सफल होने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा है, और इसीलिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग के वो सस्टेनेबल भी है और स्केलेबल भी है, ठीक है। तो कैसे, तो सपोज आप समझ लो कि मैंने आपको बोला है कि भी आपको वैक्यूम क्लीनर सेल करना है, राइट, आई हैव आस्क्ड यू टू सेल द वैक्यूम क्लीनर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि भी आपकी जो आपने क्या किया कि आपने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, आपने यू हैव क्रिएटेड द वेबसाइट और द क्लाइंट इज ऑलरेडी गिवन यू द वेबसाइट, ठीक है, क्लाइंट इज ऑलरेडी गिवन यू द वेबसाइट। तो आप क्या करोगे, राइट, सपोज ये है, ये सारे है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कि सपोज आपको पता है कि भाई ये इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 11,500 है, ठीक है, आपको वेबसाइट भी दी गई है, आपको सारा डेटा आपके पास रेडी है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि भाई अगर मैं वैक्यूम क्लीनर को ऑनलाइन बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा कि नहीं होगा, राइट। तो वो आप एक भी रुपए स्पेंड करने से पहले पता कर सकते हो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गूगल एड्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पेड मार्केट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केट, कैसे, तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि भाई आपको ये 100% आपको पता होगा कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, कोई भी आप है, अगर आप यहाँ पर लोगे तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि भाई उसकी सेलिंग प्राइस 3,899, ठीक है, या तो उसकी जो MRP है वो, या तो आपने जो रखी है वो, व्हाटएवर, तो उसकी सेलिंग प्राइस। दूसरा, आपने उसको कितने में परचेज किया है, राइट, जैसे कि अगर उसकी सेलिंग प्राइस है 11,500 और मैंने परचेज किया 6,000, फॉर एग्जाम्पल, या 7,000 में, या 5,000 में, व्हाटएवर, हमने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दी, जिससे आप ये जो फॉर्मूला है वो दुनिया के कोई भी बिजनेस मॉडल पर अप्लाई कर सकते हो, दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, दुनिया की कोई भी सर्विस पर अप्लाई कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि अगर इसकी एड आप करते हो तो गूगल एड में ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, जिससे आप पैसे खर्च करने से पहले आपके क्लाइंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल रहने की संभावना कितनी है उसको चेक कर सकते हो, और ये वेरी नियरर होगा जो आपका रियल रिजल्ट मिलेगा उस। तो दो चीज पहले पता होनी चाहिए, जो बहुत ऑब्वियस है, कितने में आप बेच रहे हो, कितने में आपके वो पड़ता है, राइट, योर बाइंग प्राइस एंड योर
सेलिंग प्राइस, उसके बाद उसका ऑफ कोर्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंडस्ट्री, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इंडस्ट्री बेंचमार्क में उसका लीड रेट क्या है, राइट, उसका कन्वर्जन रेट क्या है। अगर आप ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो शॉपिंग वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको एक जो केस स्टडी दूंगा और एक मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा उसमें लोग सर्विस की बात करेंगे। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट की, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शॉपिंग वेबसाइट की, ठीक है। तो आपका कन्वर्जन रेट है 4%, मतलब 2%, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपका कन्वर्जन रेट कितना है फ्रेंड, 2%, मानी 100 लोग जब आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, 100 लोग जब आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं फ्रेंड, तो आपको कितना कितना सेल जनरेट होता है, कितना सेल जनरेट होता है, 11,000, ठीक है। आपको कितना सेल जनरेट होता है, 11,000, और अगर आप 100 लोग क्लिक करते हैं तो 11,000 होता है, राइट। तो अगर अगर एक यूजर क्लिक करेगा, राइट, तो ये क्या हुआ कि अगर 100 लोग क्लिक करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी कैन एक्सपेक्ट, 11,000। जब 100 लोग क्लिक करते हैं तो ऑन एन एवरेज 11,000 का प्रॉफिट मेरे पास जनरेट होता है। क्लियर है सबको, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कैसे वो 11,000 हुआ, अगर एक प्रोडक्ट सेल होती है तो 5,500, तो दो प्रोडक्ट सेल हुई तो 11,000, ठीक है। अभी 11,000 अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको 100 क्लिक चाहिए, तो एक क्लिक पर आपको, एक क्लिक पर आप कितना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 100 रुपीज। 11,000 100 क्लिक के लिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है ये, 11,000, ठीक है। तो एक क्लिक के लिए कितना, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, क्लियर है, 1,110। So, एक क्लिक पर आपको कितना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज मिलेगा, 1,110, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको एक क्लिक पर कितना प्रॉफिट मिलता है, 110 रुपए। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो है आपकी मिसेलिनियस कॉस्ट, राइट। कोई भी बिजनेस करता है उसको पता है कि मिसेलिनियस कॉस्ट नॉर्मली रहती है, जैसे कि एसी बिगड़ गया, कोई चीज काम नहीं कर रही है, चाय पानी का खर्चा है, आपका रेंट है, वो सारी चीज आपकी मिसेलिनियस कॉस्ट। तो वो मिसेलिनियस कॉस्ट के कंसिडरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो सब सब आप मार्केटिंग में नहीं लगा सकते, आपको उसके 90% ही लगा सकते हो, 10% आपको बफर रखने पड़ेंगे इसके लिए, मिसेलिनियस खर्चे के लिए। सो 90% आपने इन्वेस्ट किया, मानिए आपको एक क्लिक पर मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिलता है वैक्यूम क्लीनर की एड करने में, 99 रुपीज, कितना प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स, 99 रुपीज। तो क्या उसका मतलब हुआ, आप एक जब भी आपकी एड दिखती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एड दिखी, तो मैं मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ एक क्लिक के लिए, एक क्लिक के लिए मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैक्सिमम 1,110, मैं मैक्सिमम इंक्लूडिंग मिसेलिनियस कॉस्ट 99 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मिसेलिनियस कॉस्ट को इग्नोर करूं तो 1,110 है, लेकिन मिसेलिनियस कॉस्ट को कंसिडर करूं तो 99 रुपीज से ज्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकता। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर एड चलाता हूँ और जब भी कोई यूजर एक एड पर क्लिक करता है और जो पैसे मुझे गूगल को देने हैं उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है, वो इससे किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 99 रुपीज से ज्यादा अगर हुई, अगर वो 99 रुपीज से ज्यादा हुई तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो कैंपेन है वो नेगेटिव आरओआई में चला जाएगा। मानिए आपको एक क्लिक पर जितने प्रॉफिट मिलता है, आपको एक क्लिक पर जितना प्रॉफिट मिलता है उससे ज्यादा क्या कर रहे हो आप, स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, स्पेंड कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या होगा, इससे आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कैसे चला जाएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव चला जाएगा आपका ये बिजनेस मॉडल। मानी जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं, ठीक है। और अगर 99 से बहुत कम में आप एक क्लिक की कॉस्ट है आपकी, तो आप क्या हुआ उसका मतलब, ये प्लेटफॉर्म एकदम सही है आपके,
आप हो सके उतना ये प्लेटफॉर्म को यूज करके प्रोडक्ट के सेल को जनरेट करो, आपके बजट को बढ़ाओ। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, फॉर दिस केस, प्रोडक्ट सिनेरियो के केस में किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो है सर्विस का। दूसरा सिनेरियो क्या है? सर्विस का, राइट? तो सर्विस का जो सिनेरियो है वो इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, सीधी प्रोडक्ट सेल हो जाती है, उसमें कोई दो फेज नहीं रहते। सर्विस में क्या होगा, दो फेज है। क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला है, सपोज कोई कोर्स है, राइट, सर्विस आप ले लो, कोई भी एक सर्विस है, सपोज आपको अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, आप किसी को भी अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो जिसका जो ईयरली चार्ज है या मंथली है, आई डोंट नो, तो सपोज ये है आपका चार्ज 19,000 रुपीज, वो आपका चार्ज है अकाउंटिंग मंथली है, समझ लो। चलो, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मानी उसको जो आप जो रिसोर्स को हायर कर रहे हो, उसकी जो सैलरी है, आपकी जो ऑल और जो कॉस्ट है उसको सब मिलाओगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बनती है 10,000। मानी आप ये जो सर्विस है उसको 19,000 में बेच रहे हो और आपको जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज में वो पड़ रही है, कंसिडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस यू हैव टू रन द बिजनेस। तो एक जब ऐसी सर्विस आप सेल करते हो, व्हेनेवर यू आर सेलिंग द सर्विस, आपको कितना प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स, 9,000 रुपीज, राइट? दिस इज द प्रॉफिट यू हैव व्हेन यू सेल अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर वन टाइम। जब आप राइट तो ये आपका बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का फंडामेंटल है या तो डेटा है। उसके बाद आपका जो पास सिनेरियो है, जब आप इंडस्ट्री बेंचमार्क को कंसीडर करते हो, तो सर्विस की वेबसाइट में समझो कि 100 लोग जब आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक एड रन की है अकाउंटिंग ठीक है, तो ये एड है, बार्क है, रजिस्टर करो है, ठीक है, ये दोनों एड है, और taxpay.co.in, ठीक है, ये तीनों की तीनों सर्विस है फ्रेंड्स। तो ये जो तीनों की तीनों सर्विस है उसमें समझ लो कि 100 लोग जब क्लिक करते हैं, 100 लोग जब क्लिक करते हैं तो ऑन एन एवरेज रजिस्टर करो को, फॉर एग्जांपल रजिस्टर करो को क्या मिलता है, 5 इंक्वायरी जनरेट होती है। कितनी जनरेट होती है? 5 इंक्वायरी जनरेट होती है, और वो 5 जो इंक्वायरी है उसमें से 2 लोग उनकी सर्विस को लेते हैं, क्योंकि 5ों के 5ों लोग जरूरी नहीं है कि सर्विस लेने वाला है, यस और नो। जब भी आप कोई भी सर्विस के लिए किसी को भी रिक्वेस्ट भेजते हो, कभी आप कोई भी दुकान पर जाते हो तो जरूरी है कि आप वहां से ले ही लोगे, नॉट नेसेसरीली ट्रू। वैसे ही जब भी आप किसी को इंक्वायरी भेजते हो सर्विस के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो यूजर वहां से ले ही लेगा। व्हाट डज इट मीन, उसमें से 40% कन्वर्ट हो रहा है, मानी 40% मानी 5% का 40% मानी 100 में से 2, मानी 100 लोगों ने ये रजिस्टर करो की वेबसाइट को विजिट किया और 2 लोगों ने वहां से क्या किया, क्या किया फ्रेंड्स, परचेस किया, क्या किया फ्रेंड्स, परचेस किया। तो रजिस्टर करो को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 100 लोग जब विजिट करते हैं तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 18,000, दैट इज 18,000। लेकिन एक चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ, चलो। तो मैक्सिमम सीपीसी जो है उसकी मिसेलिनियस कॉस्ट को कंसीडर करके वो कितना पे कर सकता है, 100 क्लिक पर, 100 क्लिक जब हुई तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 100 क्लिक जब हुई तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ, सो एक क्लिक पर कितना प्रॉफिट, तो एक क्लिक पर हुआ 180 रुपीज का प्रॉफिट, राइट, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 180 रुपीज। लेकिन उसमें अगर मैं मिसेलिनियस कॉस्ट को कम कर देता हूं तो हो गया 162, हो गया 162, मानी 162 अगर एक क्लिक पर रजिस्टर करो को पे करना है, राइट, तो आराम से पे कर सकता है, इससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा, राइट, और अगर इससे ज्यादा पे करेगा तो उसका जो आरओआई है वो किस में कैसे जा सकता है, नेगेटिव जा सकता है, उसका
आपका आरओआई है वो नेगेटिव जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? तो सर्विस वेबसाइट है उसमें दो पड़ाव होंगे, पहले इंक्वायरी मिलेगी उसके बाद उसमें से कुछ कन्वर्ट होंगे। ई कॉमर्स में एक ही होगा, यूजर वेबसाइट को विजिट करेगा और प्रोडक्ट परचेस करेगा और आपको सीधा आपके अकाउंट में रेवेन्यू या तो जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ ये एक्सरसाइज करने का? ये एक्सरसाइज करने का फायदा ये है कि ये जो अमाउंट मिले ना फ्रेंड, ये अमाउंट से आपको पता लगेगा, ये अमाउंट से आपको पता लगेगा कि आपकी अपर बाउंड क्या है, राइट? क्या पता लगेगा कि आप कितना पैसा खर्च करोगे, कितने पैसे खर्च करते करोगे, तो उससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो आरओआई है वो नेगेटिव चला जाएगा। जितना कम होगा उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये संभव सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में है और कोई जगह पर ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स उसका कन्वर्जन रेट, ये मैट्रिक्स आपको नॉर्मली और प्लेटफॉर्म नहीं देता है, एटलीस्ट एड रन करने से पहले तो नहीं मिलता। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर रजिस्टर करो, ये सीपीसी अगर गूगल ने मुझे इसकी 50 रुपीज बताई और इसकी 150 रुपीज बताई, तो मुझे ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस, क्या सर? मैंने म्यूट था मेरा। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर गूगल ने ये प्रोडक्ट यूरेका फॉक्स को प्रमोट करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है वो 50 रुपीज गूगल चार्ज कर रहा है, और ये जो सर्विस है रजिस्टर करो अकाउंटिंग की सर्विस, उसके लिए गूगल 150 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो हमें ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, अपनी कॉस्ट से कम है। आपको पर क्लिक जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेस है तो 100% करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये कॉस्ट जितनी है तो भी करो। क्यों करो? क्योंकि जब वो क्लाइंट या कस्टमर रिपीट होगा तो आपको वो मार्केटिंग की कॉस्ट बेयर नहीं करनी। Right. अगर ये मार्केटिंग की सर्विस, अगर ये अकाउंटिंग की सर्विस रजिस्टर करो ने ली, आपने ली और पहले महीने अगर आपने इसको पे किया तो भले ही रजिस्टर करो को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप दूसरे महीने उसको पेमेंट करोगे 90,000 का या व्हाटएवर, तो आपको रजिस्टर करो को आपको फिर से पेमेंट करते जब आप करोगे तो कोई मार्केटिंग की कॉस्ट एक्वायर्ड नहीं हो रही। राइट, तो आपको बड़ा सोच के उसका आपकी जो गूगल एड्स की जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। आप सिंपली वन टाइम कॉस्ट को या वन टाइम प्रॉफिट को कंसीडर करके उसका डिसीजन नहीं ले सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, जो दूसरा है, आई हैव क्वेश्चन। Yes, on this one, how many, you know, the this is the example you give, how many time we can consider in a negative way we supposed to do the advertise with the Google ad? Negative just, how long we can wait? So two things are there. Number one, कि वो नेगेटिव कितना जा रहा है। ओके, अगर 99 रुपीज का 110 रुपीज है और अगर आपका वो रिकरिंग बिजनेस हो रहा है, मानिए उसने आज आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर लिया, कल जाके आपके आपके साथ में उसकी जो रिलेटेड एसेसरीज है वो भी, आपका ट्रेंड ऐसा है कि भाई 50% लोग उसकी एसेसरीज भी आपसे ही परचेस करते हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपसे ही करवाते हैं, तो अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो वो 110 रुपीज भले ही हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? या, आई गॉट द पॉइंट। कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर वो 100 रुपीज का 300 रुपीज हो रहा है, जो आपको जो आपको कोई भी सिनारियो में पॉजिटिव होने की संभावना बहुत कम है, इफ यू इंक्लूड द रिकरिंग रेवेन्यू यू आर सपोज टू जनरेट फ्रॉम दैट कस्टमर और क्लाइंट, तो वो नहीं करना। ओके, सो अनदर क्वेश्चन फॉर दैट वन, if we are losing money for like a 1 year or 2 year,
we are going every month negative, mm-hmm. what will be the option on that scenario? So basically दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो आप चेक करो कि आपको मिनिमम कहां पर आप लैग कर रहे हो. आपका कन्वर्जन रेट कम है, दैट इज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, या सीपीसी बहुत ज्यादा है, दैट इज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट. व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट? ओके, गॉट इट. आपका कन्वर्जन रेट कम है, mm-hmm. आप चेक करो कि आप उसको 2% या 3% कैसे कर सकते हो. Okay. तो उसके लिए भी बहुत सारी रेमेडीज है, राइट? जैसे कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करो आप आपके लैंडिंग पेज का, राइट? आप ये चेक करो कि आप जो जो जगह पर एड दिखा रहे हो उसमें से कौन सी एरिया आपके लिए काम कर रहा है, कौन सी एरिया नहीं काम कर रहा है. जैसे कि आपको पता लगा कि भाई सैटरडे संडे में मुझे मेरा कन्वर्जन रेट 5% है फॉर एग्जांपल, और मंडे टू वेनसडे में ये 3% है. तो आप क्या करो, मंडे टू वेनसडे का बजट सैटरडे संडे में लगा, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 2% से क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा एवरेज, या 2% से बढ़ जाएगा. तो अल्टीमेटली जो आपकी जो नेगेटिव आरओआई जनरेट हो रही है वो ग्रेजुअली क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मानी पॉजिटिव आरओआई की तरफ बढ़ती जाएगी. ओके, गॉट इट. या थैंक यू. सर, इसमें एक और भी चीज हो सकती है ना, इनको अपना प्रोडक्ट किस रेट में सेल कर रहे हैं या कंपटीटर क्या रेट में सेल कर रहा है, वो सब भी कंपैरिजन करना चाहिए ना. हाँ कर, वो सब भी कंपैरिजन करना चाहिए, यू आर राइट, वो सब भी करना चाहिए. लेकिन अगर वो उसमें उनका वो कोई चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि अगर मुझे कोई क्लाइंट ने दिया कि भाई ये मेरी सेलिंग प्राइस है और ये मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना उसको आप 10,000, राइट? अगर मैं बोलूं तो उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट और कम हो जाए. सो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए. हाँ, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे उसके हिसाब से. Yes. वरना क्या होगा, आप टेम्पररी सेल कर दोगे वो 10,000 की प्रोडक्ट, लेकिन लंबा नहीं. राइट. ओके, चलो उसके बाद है कॉस्ट पर एक्विजिशन. कई बार क्या होता है कि जब आप गूगल एड्स करते हो सो दे गिव यू द ऑप्शन टू एक सेल को जनरेट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करनी है, वो भी आप कर सकते हो. इसमें क्या कर रहे थे आप, एक क्लिक को जनरेट करने के लिए कितनी कॉस्ट करनी है वो करते हैं. इसमें क्या कर रहे हो, एक सेल को जनरेट करने के लिए कितनी कॉस्ट एक्वायर करनी है वो. तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपकी टोटल 100 क्लिक्स पर प्रॉफिट है उसको सिंपल क्या कर देना है, जितना सेल होगा उसे डिवाइड कर देना है, सिंपल. तो 11,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि 100 क्लिक जब होती है तो ऑन एन एवरेज मुझे 2 प्रोडक्ट सेल होती है, और 2 प्रोडक्ट सेल होती है तो मुझे इतना प्रॉफिट होता है. तो मैं 11,000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन. दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट आई एम गोइंग टू पे टू द गूगल और एनी अदर पेड प्लेटफॉर्म, राइट, फॉर 100 क्लिक या फॉर 1 सेल. नॉट 100 क्लिक, नॉट फॉर, इट इज फॉर 1 सेल. एक सेल जब होता है तो दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट आई वुड लाइक टू पे. तो गूगल का एआई क्या करेगा कि वो ऐसे ऐड चलाएगा कि आपको एक सेल इससे कम में मिले. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है? और ये है कॉस्ट पर लीड, मानी कॉस्ट पर एक्विजिशन. ये सर्विस का सिनारियो. तो इसमें भी क्या होगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 4, इसमें एक ही चीज होगी 5, क्योंकि इसमें लीड मिल रही है और लीड के बाद आपका कन्वर्जन हो रहा है. तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, जो लीड मिल रही है उससे, ठीक है? आपने तो प्रॉफिट कन्वर्जन पर ही कंसिडर किया. आप समझ रहे हो मेरी बात फ्रेंड्स? आपने जो प्रॉफिट गिना है वो तो वो लीड में से जो कन्वर्ट हुए उसमें जो मिला है वो ही कंसिडर किया, लेकिन आपको डिवाइड 2 से नहीं करना है, बिकॉज 2 इज जनरेटिंग फ्रॉम दिस 5%. तो आपको 18,000 को 5 से डिवाइड करके जो अमाउंट मिली है उसको मिसेलिनियस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आप क्या जनरेट कर सकते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन. क्या कर सकते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? उसके बाद ना आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इससे कम आपकी कॉस्ट पर क्लिक होनी चाहिए, और अगर इससे ज्यादा है तो यू नीड टू कंसल्ट द क्लाइंट बाय शोइंग हिम द रिकरिंग बिजनेस यू नॉर्मली हैव when you do the selling, ठीक है? अगर recurring business है तो उसको generate करने में उसको पैसे नहीं खर्च करने, तो वो आपको थोड़ा
उसको कंसल्ट करके करना है, ऐसे काम है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप करो, ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट करो, ठीक है सर? यस सर, ये कॉस्ट पर एक्विजिशन है, हाँ, तो अगर हम 11,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,500 होगा, करेक्ट, 4,950 की ये मिसेलिनियस कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है ना उसको, क्योंकि सभी बिजनेस में क्या है, जितना प्रॉफिट आओगे उतना इन्वेस्ट कर दोगे, और अगर कोई खर्चा आ गया तो आपको जेब से निकालना पड़ेगा, हाँ, आपको वो प्रोविजन रख के काम करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इसकी हाईएस्ट कॉस्ट इतनी ली, ठीक है? कोई रिटर्निंग आया, रिटर्न प्रोडक्ट आई तो क्या करोगे आप? तो उसका जो शिपिंग चार्ज है वो तो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई तो वो कौन बेयर करेगा? तो वो सारी इनके ये 0.9 नॉर्मली होता है। चलो उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या कोई भी मार्केट प्लेस पे भी बेच रहे हो ना, तो सिमिलरली आप काउंट कर सकते हो। कैसे? तो आपकी सेलिंग प्राइस है 7,499, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सपोज 4,000, ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट है 3,499, फ्लिपकार्ट अपना 20% कमीशन ले रहा है, राइट, मनी आपका जो जो सेलिंग प्राइस है, राइट, उसका वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 20% कमीशन लेता है। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैंने कंसीडर किया है, ताकि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेशो या दुनिया की कोई भी प्लेटफॉर्म है उसमें आप ये फॉर्मूला को लगा सकते हो, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, 20% कमीशन लेता है, शिपिंग चार्ज भी रहता है, ये दो वेरिएबल पार्ट है सभी के लिए। तो 200 रुपए आपके शिपिंग चार्ज में चले गए, तो आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स, 7,499 के लिए 1,799। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 7,499, और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर वो आपको लिखना पड़ेगा 1,799, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ नेट की जगह, ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद आपको ये, अगर आपको डायरेक्टली ये सीपीसी काउंट करना है, ये तो हमने क्या किया, ये मैंने आपको रिवर्स कैलकुलेशन से ये पूरी चीज समझाई, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो ये फॉर्मूला से। कैसे? एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 5,500, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, कन्वर्जन रेट से। तो कन्वर्जन रेट कितना है फ्रेंड हमारा ये सिनेरियो में, 2%, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 2% से। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, इज इक्वल टू, चलो एवरेज प्रॉफिट कितना है 5,500 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट कितना है 2% मल्टीप्लाई बाय 0.9 है द मिसेलिनियस कॉस्ट, कितना मिला 99 मिल गया मुझे, ये अमाउंट मिल गया फ्रेंड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाउंड द सीपीसी, ये एकदम सिंपल है, सीपीसी को फाइंड कर, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी मानी कॉस्ट पर क्लिक, द अमाउंट यू हैव टू पे टू द गूगल व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है सीपीसी। दूसरा है सर्विस के केस में, दूसरा है सर्विस के केस में, चलो इसको फाइंड करते हैं। क्या है, सबसे पहले आपकी आपकी एवरेज प्रॉफिट पर सेल तो कितना है 9,000, उसमें से आपका मल्टीप्लाई बाय आपका लीड कन्वर्जन रेट 5%, उसमें से आपका आफ्टर लीड कन्वर्जन रेट दैट इज 40%, और उसको 0.9 मिसेलिनियस कॉस्ट 162 आ गया, 162, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला विद विच यू कैन इजीली कैलकुलेट योर सीपीसी बिफोर यू स्टार्ट विद द एडवर्टाइजमेंट टू सेव टू मेक योर कैंपेन प्रॉफिटेबल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी बहुत आसान है टू जनरेट टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं कई बार 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले को पूछता हूँ तो उनको भी क्लैरिटी नहीं होती है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट, सो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी हो। इट इज वेरी सिंपल, प्रॉफिट आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, राइट, उसको माइनस करो, किससे माइनस करो, मार्केटिंग कॉस्ट से, राइट, आपकी जितनी भी मार्केटिंग कॉस्ट होती है उससे आप माइनस करो और डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट। सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब मैं ये रन कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इज इक्वल टू
सपोज ये सर्विस है सपोज, तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, राइट? प्रॉफिट हो रहा है मेरा 9,000, ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 9,000 सपोज, माइनस माइनस, ठीक है, मेरी मार्केटिंग कॉस्ट। तो मेरी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है फ्रेंड्स? मार्केटिंग कॉस्ट है सपोज उसको ये 9,000 के सेल को जनरेट करने के लिए मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है 5,000, राइट, डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। तो कितना मिलेगा ये मुझे परसेंटेज से इसको निकालना पड़ेगा टू गेट द राइट अमाउंट। परसेंटेज परसेंटेज राइट, तो 0.8 क्या हुआ मेरा मल्टीप्लाई बाय 100, 80% मेरा प्रॉफिट हुआ। मानी जब मैं 100 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे ऑन एन एवरेज 80 रुपए प्रॉफिट के तौर पर मिलता है, एक्सीलेंट है, राइट। जब भी आप बैंक में 100 रुपए रखते हो तो कितना मिलता है आपको एंड ऑफ द ईयर, कितना मिलता है, राइट? नॉट मोर देन 5,000, 5% से ज्यादा नहीं मिलता है, यस और नो, राइट? तो ये 80% है, राइट राइट, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रियल आरओआई। उसके बाद है नेगेटिव आरओआई। तो अगर ये मेरा जो 8,000 रुपए खर्च करने के लिए अगर मुझे 8,500 रुपए खर्च करने पड़ते और यहाँ पर भी 8,500 होता तो क्या होता, मेरा आरओआई जो है, राइट, 8,000 डी फोर, सॉरी ये 9,000 है ना, तो 9,500 से मुझे करना पड़ेगा, तो मेरा आरओआई क्या चला जाएगा, जब मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ तो 5 रुपए का मुझे नुकसान होता है, राइट। मैंने माना मेरी जेब से, माने मेरी जेब से 105 रुपए चलते हैं जब मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, मानी 5 रुपए मेरी जेब से और चले जाते, तो ये बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, ये लंबा नहीं चल सकता, या मुझे करना नहीं चाहिए, वरना मैं डेप में चला जाऊंगा, दीवे में चला जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द आरओआई, इट इज वेरी सिंपल। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितनी मार्केटिंग की कॉस्ट लग रही है डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट, मानी 100 रुपए जब आप खर्च कर रहे हो एक लाइन में तो आपको कितना प्रॉफिट होता, सिंपल। अगर वो 100 रुपए से कम होता है प्रॉफिट तो आपका आरओआई नेगेटिव है, अगर 100 रुपए से ज्यादा होता है तो आपका आरओआई पॉजिटिव, सिंपल, क्लियर है सबको, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, ये जो हमने डिस्कस किया उसमें, प्रोडक्ट सिनेरियो, सर्विस सिनेरियो एंड आरओआई में, यस एनीवन? नो सर। ओके ग्रेट, उसके बाद अभी हम लोग गूगल एड्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो गूगल एड्स है, जब भी आप सर्च कर रहे हो, राइट, व्हेनेवर यू आर सर्चिंग ऑन द गूगल, आप देख रहे हो कि उसने बार्क को पहले दिखाया, रजिस्टर करो को दूसरी पोजीशन पर दिखाया और टैक्स पे को तीसरी पोजीशन पर दिखाया। तो ऐसा क्यों, पहले क्यों रजिस्टर करो को नहीं दिखाया, पहले क्यों टैक्स पे को नहीं दिखाया, बार्क को क्यों दूसरी पोजीशन पर नहीं दिखाया? तो उसका रीजन जो है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। बस पर क्लिक उसने ज्यादा रखा होगा। नंबर वन जो है, जिसके बेसिस पर गूगल ये तय कर रहा है वो है उसका एड रैंक। जिसका एड रैंक सबसे ज्यादा वो यहां पर होगा, मानी एड में पहली पोजीशन पर दिखाएगा। जिसका एड रैंक उससे कम है उसको उसके नीचे दिखाएगा, जिसका एड रैंक उससे भी कम है उसको उसके नीचे दिखाएगा, क्लियर है? सो इट इज बिकॉज ऑफ द एड रैंक। तो आपको, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हो गया, चलो वो तो समझ गया एड रैंक, लेकिन ये एड रैंक जनरेट कैसे होता है, एड रैंक जनरेट कैसे होता है? तो एड रैंक इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीपीसी, मानी आप कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हो वो पर्टिकुलर, जब कोई यूजर क्लिक कर रहा है तब, मल्टीप्लाई बाय योर क्वालिटी स्कोर, मानी आपकी क्वालिटी स्कोर कैसी है, राइट? तो अभी आपके दिमाग में होना चाहिए कि चलो भाई वो तो समझ गए कि भाई इतना पैसे स्पेंड करेंगे तो एड रैंक बढ़ सकती है, लेकिन क्वालिटी स्कोर क्या है, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? सो क्वालिटी स्कोर चार चीजों पर निर्भर है। सबसे पहले जब आप सर्च कर रहे हो तो एड की रिलेवेंसी क्या है, मानी आपने जिससे सर्च किया है उसके इनलाइन यहाँ पर टेक्स्ट है, उसके इनलाइन हेडलाइन है, वो कैसी, दैट इज नंबर वन। मानी
एड रिलेवेंसी, मनी एड रिलेवेंसी। दूसरा, यहां पर आपने जो एड एक्सटेंशन, ये सारे एड एक्सटेंशन, ये रेटिंग के लिए क्या है, एड एक्सटेंशन है, राइट। ये साइक्लिंग है, आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में आने वाले सेशन में कि साइक्लिंग कैसे क्रिएट की जाती है, एड एक्सटेंशन कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन अभी आप समझ लो कि क्वालिटी स्कोर क्या है। तो दूसरा क्या हुआ, एड एक्सटेंशन। पहला क्या हुआ, एड रिलेवेंसी। दूसरा क्या हुआ, एड एक्सटेंशन। तीसरा है कि जितने लोग सर्च कर रहे हैं उसके वर्सेस कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, जितने लोग सर्च कर रहे हैं वर्सेस कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वो उसका जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं फ्रेंड, CTR। क्या बोलते हैं उसके रेशियो को, CTR, क्लिक थ्रू रेट। तो वो CTR जितना अच्छा उसकी आपकी एड स्ट्रेंथ अच्छी, उतनी आपकी एड स्ट्रेंथ, क्योंकि 100 लोग जब सर्च कर रहे हैं तो ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं। एंड लास्ट, जब यहां पर क्लिक करके यूजर लैंडिंग पेज पर जाता है तो लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी क्या है। तो चार पैरामीटर हुए, सबसे पहला एड रिलेवेंसी, एड एक्सटेंशन, CTR, एंड लास्ट लैंडिंग पेज रिलेवेंसी। ठीक है, तो ये चार जगह से गूगल आपका क्वालिटी स्कोर जनरेट करता है। जो क्वालिटी स्कोर है उसकी रेंज है 1 इज द लोएस्ट, 10 इज द हाईएस्ट, तो ये रेंज में आपको क्वालिटी स्कोर आपका घूमेगा, आपको मिलेगा। सो फायदा क्या है क्वालिटी स्कोर ज्यादा होने का, चलो वो हम लोग एक सिनेरियो के तौर पर चेक कर रहे हैं। सपोज तीन कंपनियां है, वेब इंडिया, शाउटेनाइक एंड हिडनवी, ये तीन कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल। तो जो पहली कंपनी है वेब इंडिया, उसका जो क्वालिटी कॉस्ट पर क्लिक है वो 19 रुपीज है, दैट इज इफ समवन क्लिक, ये बार्क है समझ लो, चलो ये बार्क है, पहली पोजीशन में कौन आ रहा है, ये आ रहा, तो सपोज ये बार्क है, ये बार्क है, ये रजिस्टर करो है, सॉरी ये टैक्स पे है, और ये है रजिस्टर करो, ठीक है। अभी जो रजिस्टर करो है वो ये बोल रहा है कि भाई जब भी ये मेरी एड पर क्लिक करेंगे ना, तो आई वुड लाइक टू पे 19 रुपीज, मैक्सिमम 19 रुपीज टू देखूंगा, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो और उसका क्वालिटी स्कोर 6 है, ठीक है, उसका क्वालिटी स्कोर क्या है, 6, ये किसी का दिखता नहीं हो, आपको आपका ही दिखेगा, राइट। सपोज उसका क्वालिटी स्कोर 6 है, तो उसका एड रैंक क्या हुआ, 19 × 6, दैट इज 114, ठीक है, ठीक है। ये जो है टैक्स पे वो 20 रुपए देना चाहता है, राइट, रजिस्टर करो से ज्यादा, तो उसका जो CPC है वो क्या निकला, और उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 5 है, ये जो क्वालिटी स्कोर है ना वो 5 है, तो उसका एड रैंक क्या जनरेट हुआ, 100। और लास्ट है बार्क, जो बार्क है वो सिर्फ 15 रुपीज देता है, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू पे मोर, आई हैव अ वेरी गुड पीपल हु हैंडल माय गूगल एड्स। तो वो जो अच्छे जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने क्या किया, किस पर काम किया है, क्वालिटी स्कोर पर काम किया है, तो क्वालिटी स्कोर उनका कितना है, 8 है, तो अल्टीमेटली उनकी एड रैंक कितनी होगी, 120। सो सबसे ज्यादा किसकी हुई, बार्क की, उसके बाद किसकी हुई, रजिस्टर करो की, और उसके बाद किसका हुआ एड रैंक, टैक्स पे का। तो सबसे पहले गूगल पर कौन दिखेगा, बार्क दिखेगा, उसके बाद कौन दिखेगा, रजिस्टर करो दिखेगा, तीसरा कौन दिखेगा, टैक्स पे दिखेगा। क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर, कैसे गूगल कैसे गूगल डिसाइड करता है किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर फ्रेंड्स, यस, ओके, वेरी गुड। सो आपको एज अ प्रोफेशनल कौन से एरिया को इम्प्रूव करते रहना है, बीइंग अ गूगल एड्स एक्सपर्ट, क्वालिटी स्कोर को, क्वालिटी स्कोर जितना आप अच्छा काम करोगे, क्वालिटी स्कोर को जितना बढ़ाओगे, कम सीपीसी में आप ज्यादा अच्छे रैंकिंग को हासिल करोगे, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, ओके। अभी जो है वो बीड है, बीड कि भाई गूगल जो है वो बीड कैसे डिसाइड करता है, राइट, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो 2-3 आएंगे एग्जाम में गूगल एड्स की, तो आप इसको प्रॉपरली समझ लो, राइट, ये क्वालिटी स्कोर के लिए भी आएंगे और एड रैंक के लिए भी आएंगे, ठीक है।
तो ये बीड कैसे तय करता है? तो इट इज वेरी सिंपल कि सपोज सबसे पहले किसको रखा है फ्रेंड, इन्होंने बार्क को रखा है, ठीक है, सबसे पहले किसको रखा है, बार्क को रखा है, ठीक है। सो बार्क का जो बार्क को सपोज उसने टॉप पर रखा है, ठीक है, और सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे है रजिस्टर करो, ठीक है, सो रजिस्टर करो सॉरी टैक्स पे, तो टैक्स पे सबसे नीचे है, ठीक है, सो टैक्स पे का क्वालिटी स्कोर है 100, ठीक है, टैक्स पे का क्वालिटी स्कोर है 100। तो अगर इसका जो एड रैंक है रजिस्टर करो, राइट, जो दूसरी पोजीशन पर है उसके एड रैंक को अगर 100 से ज्यादा करना है, 100 से ज्यादा करना है तो उसको कितना, और उसका क्वालिटी स्कोर पता है, ठीक है, सो 100 से अगर हमें ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास एड रैंक है, सॉरी हाँ हमारे पास एड रैंक उसको कितना करना है, 100.1 करना, ठीक है। अभी मैं क्या आपको बता रहा हूं कि रजिस्टर करो को कितना पे करना पड़ेगा, भले ही उसने सीपीसी 19 दिया है, मानिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस जितना है, एमआरपी है ये, मानिए आप इससे ज्यादा गूगल नहीं स्पेंड कर सकता, इससे कम करेगा तो चलेगा, तो 100.1 उसका एड रैंक है, उसको जनरेट करने के लिए डिवाइडेड बाय उसका क्वालिटी स्कोर, राइट, मैंने क्या किया, क्वालिटी स्कोर को एड रैंक से क्वालिटी स्कोर को डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीपीसी। सो इसको कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, रजिस्टर करो को दूसरी पोजीशन लाने के लिए कितने स्पेंड करने पड़ेंगे, यस, कितने स्पेंड करने पड़ेंगे, 16.68 ओनली, उसको सिर्फ 16.68 स्पेंड करने पड़ेंगे, और वो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, दूसरी पोजीशन पर, चलो उसके नीचे हम लोग देखते हैं, इसका कितना है, 100.1 है क्वालिटी स्कोर, इसका 100.2, ठीक है, इससे ज्यादा क्वालिटी स्कोर जनरेट करना पड़ेगा ना, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, इसको कितना स्पेंड करना पड़ेगा, बार्क को कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 12.53 रुपए, आप समझ रहे हो, उसने कितनी विलिंगनेस दिखाई है, यस, वो कितना पे करना चाहता है, बार्क पे करना चाहता है 15 रुपए, गूगल कितना चार्ज करेगा, 12.53 रुपए, क्यों ऐसा, क्योंकि इसका जो क्वालिटी स्कोर है उससे अगर इसको एक ज्यादा करना है, राइट, तो उसको इतने ही पैसे की जरूरत है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर सबको, सो दिस इज हाउ, तो उसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, आपके नीचे जो एडवर्टाइजर है, ध्यान से सुनना, आपके नीचे जो एडवर्टाइजर है उससे आपको एक एड रैंक में एक पॉइंट आगे बढ़ने के लिए कितने पैसे स्पेंड करने की जरूरत है, उससे वो डिसाइड होगा कि गूगल आपको कितना चार्ज करेगा। जरूरी नहीं है कि आपने 15 रुपए बोला है तो गूगल हमेशा 15 रुपए ही कट करेगा, नो, इट इज प्योरली ऑप्शन बेस्ड, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन, राइट, दिस द होल, जो इसमें जो होल चीज होगी वो क्या होगी, ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सबको समझ में आ गया, ठीक है, लास्ट पीपीसी क्वेश्चन है, तो आप जब भी कोई भी काम करो तो जो मैंने बताया है कि 5 वाई के आंसर आपके पास होने चाहिए, 5 वाई एंड बी के, चलो एडवर्ड इंटरफेस, सो जो एडवर्ड है पूरा, ठीक है, उसका इंटरफेस क्या है, ठीक है, तो वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी आज के लिए यहाँ पर रखते हैं, राइट, तो हम लोग अभी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, राइट, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, चलो पेड एड्स का गोल क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज द गोल ऑफ पेड एड्स, अवेयरनेस, ब्रांडिंग, लिंक जनरेशन, लिंक जनरेशन, वेरी गुड, आज हमने पेड एड्स का फंडामेंटल एक डिस्कस किया, तो उसका गोल यह है कि या तो
अवेयरनेस करना है या तो ब्रांडिंग हमारी ब्रांडिंग करनी है या तो अवेयरनेस करनी है या तो उसको ट्रैफिक जनरेट करना है या तो सेल जनरेट करना है या तो सेल वो इंक्वायरी भी अल्टीमेटली सेल का ही एक पार्ट है या तो सेल जनरेट करना है ठीक है। उसके बाद है बेनिफिट। सो गूगल एड्स का बेनिफिट क्या है या तो पेड एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट क्या है कौन बताए। फिजिकल ऑडियंस के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर। यू कैन डिफाइन द ऑडियंस टू हुम यू वुड लाइक टू शो द एड्स। यू कैन डिफाइन द ऑडियंस। उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मिलेगा वापस। आप अप्रोक्सीमेट आरओआई को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद इन मार्केट में है जो उनको एड दिखा सकते। उसको बाद वो तो आरओआई कैलकुलेशन का ही पार्ट है कि भाई आप उससे अच्छी आरओआई निकाल सकते हो। उसके बाद बिफोर यू स्टार्टिंग स्पेंडिंग द अमाउंट यू कैन चेक दैट वेदर द कैंपेन विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो अल्टीमेटली आरओआई हुआ तो वो भी कर सकते हो आप ठीक है। उसके बाद डेटा आपको सबके मिलते हैं राइट। यू कैन ऑप्टिमाइज यू कैन इंक्रीज आरओआई विद द हेल्प ऑफ डेटा जो और मार्केटिंग में संभव नहीं है राइट ठीक है। कौन से टाइम पर एड दिखानी है कौन से दिन दिखानी है कौन सी एड दिखानी है कौन सा लैंडिंग पेज दिखाना है सब कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलो कैसे करेंगे। Yes, what is the flow with which we can create the campaign? कौन बताए? सबसे पहले क्या करेंगे? Yes, paid advertisement में अगर आपको start करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? 7-30 rule. 5WB rule पर काम करेंगे। चलो 5WB rule में क्या-क्या आता है? कौन बताएगा? Things falls under 5WB. पहला W कौन सा रहेगा? Why? क्यों करना है ठीक है। क्यों करना है में क्या रहेगा क्या आता है? अवेयरनेस करनी है ब्रांडिंग करनी है कन्वर्जन करना है। वेरी गुड। चलो दूसरा डब्ल्यू कौन सा है? टू हुम मानी किसको दिखाना। टारगेटेड ऑडियंस वेरी गुड। तीसरा वेयर मानी टारगेटेड डेमोग्राफी कहां पर दिखाना है राइट। डेमो वेयर मनी लोकेशन सॉरी राइट वेयर मनी लोकेशन टू हुम मनी टारगेटेड ऑडियंस। चलो ठीक है। उसके बाद कब दिखाना है डे एंड टाइम। उसके बाद व्हाट क्या दिखाना है एड्स ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डब्ल्यू हो गए और बी बजट ठीक है। ये पांच चीजों की आपको ये छह चीजों की अगर आपको क्लैरिटी है राइट सॉरी ये पांच चीजों की अगर आपको ये छह चीजों की क्लैरिटी है वैसे तो इसको 6WB रूल कहा जाएगा। तो अगर ये 6WB रूल की आपको क्लैरिटी है 5W और 1B तो 5WB तो ये 5WB की आपको क्लैरिटी है तो आप आसानी से आपकी एड को सक्सेसफुल है दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर आप एड रन कर सकते ठीक है। और क्या करना चाहिए इसको सक्सेसफुल करने के लिए कौन बताएगा? जो हमने हाउ टू कैलकुलेट में सीखा सीपीसी और आरओआई में क्या करना चाहिए? अगर सीपीसी अपने कॉस्ट के अंदर ही हमने प्रॉफिट ज्यादा है और सीपीसी का कॉस्ट कम है तो वो कंटिन्यू चालू रखना चाहिए। करेक्ट तो आपको वो कैलकुलेट करना है कि आपकी अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मैक्सिमम सीपीसी यू कैन स्पेंड टू कीप योर आरओआई ठीक है। चलो कोई बताएगा मुझे सीपीसी की फॉर्मूला? कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ द सीपीसी? Yes. Average profit into conversion rate into 0.9. Very good. Right? Multiply. ये 0.9 क्यों करते हैं हम लोग?
मिसेलिनियस कॉस्ट। कन्वर्जन रेट कैसे पता लगेगा आपको? हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द कन्वर्जन रेट? इंडस्ट्री बेंचमार्क को लेना है, और अगर आपने ऑलरेडी एड रन कर दी है तो पास्ट आपका जो मिला है उससे। चलो आरओआई की फॉर्मूला कौन बताएगा? मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड मार्केटिंग। कैसे आरओआई, आरओआई की एड को आपको नहीं करना चाहिए? नेगेटिव, नेगेटिव आरओआई वाली एड को आपको ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। या तो आपको ये चेक करना है कि उसको नेगेटिव में से कैसे पॉजिटिव में लाया जाए। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है आपके बिजनेस की अगर आपका आरओआई नेगेटिव आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरओआई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी? तो यही बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमने अभी डिस्कस किया। केपीआई क्या रहता है गूगल एड्स का? What are the KPIs of Google Ads? कौन बताएगा? Cost per leads, number of leads. Yes. Versus number of leads. या तो cost per leads, number of leads, and cost per engagement, number of engagement. ये जो पूरी गेम है ना, ये इसकी घूमेगी। राइट, आपने अगर 100 इंक्वायरी जनरेट की तो क्लाइंट की और क्या उसके साथ में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो 100 लीड जनरेट करने में जो कॉस्ट जनरेट हुई है वो कम करो। राइट, या तो एंगेजमेंट अगर ब्रांडिंग है आपका गोल, तो जो एक एंगेजमेंट जनरेट करने में आपको जो कॉस्ट हुई उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो एक कम होगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। मानी कॉस्ट पर लीड है वो अगर कम होगी तो नंबर ऑफ लीड अपने आप बढ़ने ही वाली है। यस और नो? ठीक है, एंड वाइस, ये दोनों कन्वर्स है एक दूसरे। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? सो ये है। उसके बाद जो हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया वो है, क्या डिस्कस किया कि गूगल एड का रैंक कैसे जनरेट करता है। राइट, हाउ गूगल क्रिएट, हाउ गूगल गिव एड्स, हाउ गूगल डिसाइड एड्स पोजीशन। चलो, गोल क्या है हमारा? एड पोजीशन में टॉप में आना। चलो, उसके बेनिफिट क्या है टॉप गूगल एड पोजीशन को टॉप में रखने का? क्या बेनिफिट्स है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ लीड्स, आपका जो सीटीआर है वो अच्छा होगा तो नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ेगी, और कॉस्ट पर लीड जो है वो आपकी कम होगी। सेम फॉर द एंगेजमेंट। चलो कैसे करेंगे? चलो, गूगल एड्स जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि किसको कौन सी पोजीशन देनी है? कौन से दो मैट्रिक्स से वो डिसाइड करता है? क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी स्कोर, नॉट एश्योरेंस, क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय सीपीसी। ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा? एड रैंक। वेरी गुड। क्वालिटी स्कोर में क्या क्या आता है? एड टाइटल, एड आप उसको एड बोलेंगे, एड टाइटल है, एड वो एड का पार्ट है, तो एड आए। उसके बाद एड एक्सटेंशन, कितने लोगों ने देखा वर्सेस कितने लोगों ने क्लिक किया। जितने लोग अगर वो ज्यादा है दैट मीन्स की और एड एंगेजिंग है, एक्सटेंशन आपका अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? तो इससे इससे फायदा ये होगा कि क्वालिटी स्कोर जितना अच्छा बनाओगे, एड रिलेवेंसी जितनी अच्छी होगी, एड एक्सटेंशन मीनिंगफुल होंगे, सीटीआर आपका अच्छा होगा, लैंडिंग पेज अच्छा होगा, कम पैसे में बार्क ने जनरेट किया था
पहली पोजीशन, लेकिन वो अमाउंट सबसे कम देता था, ओनली 12.5 रुपए में उसने टॉप पोजीशन हासिल की थी, और टैक्स पे तीसरी पोजीशन पर आ रहा था, इवन दो दे वर पेइंग 20 रुपीज, राइट? व्हाई? बिकॉज़ जो टैक्स पे है वो उसकी जो टीम थी या वो खुद कर रहा था, उसका क्वालिटी स्कोर बहुत खराब था, और यहाँ पर एड प्रोफेशनल्स कर रहे थे तो उनकी क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छी थी. ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड. चलो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? क्वालिटी स्कोर को बढ़ाना है, राइट? दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. केपीआई क्या है? तो केपीआई तो पूरी एड में यही रहने वाला है, राइट? आप पूरा कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे तो केपीआई उसके यही रहेगा, कॉस्ट पर लीड, नंबर ऑफ लीड, कॉस्ट पर एंगेजमेंट एंड नंबर ऑफ एंगेजमेंट. ठीक है, क्लियर है? सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं. आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको कोई भी तीन बिजनेस मॉडल के लिए ये सब कुछ तैयार करके लाना है. क्या सब कुछ में क्या है? तो सब कुछ में ये है, आपको ये तैयार करके लाना है. ठीक है, उसका वो वाइट 5WB वाला तैयार करके लाना है, और उसमें तीन फेज के लिए तैयार करना, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, राइट? एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आपको जो बिजनेस में आपने अभी तक काम किया उसके लिए करो, और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, यू डोंट नो फॉर विच बिजनेस यू शुड क्रिएट, तो आप 5 बजे निर्मित सर को कॉन्टेक्ट करना, दे विल गिव यू द टॉक, दे विल गिव यू. आप इसके लिए कर सकते हो अभी, तो अभी तो है आपके पास, राइट? ये इसके लिए कर सकते हो. आपके पास है कि नहीं है, यू डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू क्रिएट फ्रॉम एनी वन ऑफ दिस बिजनेस टाइप. ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, ये जो मैक्सिमम सीपीसी है उसको एक रैंडम नंबर ले लो, आप गूगल पर सर्च करो और कोई भी एक प्रोडक्ट को ले लो, कोई भी एक सर्विस को ले लो, और खुद ये कैलकुलेट करके लाओ, तो ही आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का होगा. और एक बार वो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करके उसको मैच करो, आरओआई को भी रैंडमली लेकर उसको मैच करो. ठीक है, क्लियर है? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू सर. वेलकम.